बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज रास और आज के भी देखने वाले हैं। आज बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर वालों का, आज जो पेपर हुआ है और मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे सिर्फ 2 दिन पहले और मैंने आपसे वादा किया था कि आपको 70% प्लस दिला के रहूंगा। आप जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो मैं आपको जो सब क्वेश्चन बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन को पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। और आपने भी मुझसे वादा किया था कि इस तरह बिल्कुल जो आप कहेंगे वही पढ़ेंगे, तो आज हम वही को उस पेपर को प्रूफ करने वाले हैं जो 2 दिन पहले मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था। वो क्या सच में इतने क्वेश्चन फंसे हैं, 70% प्लस फंसा है? आज वही हम प्रूफ करेंगे, तो बस लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। चलो आज हम बॉटनी के सेकंड पेपर की ओर चलते हैं। बॉटनी का ये सेकंड पेपर है। बॉटनी का फर्स्ट पेपर पहले से अपलोड किया था तो उसमें 84.84% फंसा था आपको बताया, और मैंने सिर्फ वादा किया था आपको 70% प्लस फंसाने का, यही तो कहा था 2 दिन में 70%। लेकिन अभी एक छात्र ने मुझे बताया, सर 1 दिन मतलब कि कल एक दोबारा इसका थर्ड पेपर, इसका भाई जो है थर्ड भाई है, ठीक है, उसका थर्ड पेपर होने वाला है, मतलब इसका थर्ड पेपर होने वाला है। बॉटनी का 3 भाई है ये पेपर, बॉटनी उसके 3 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर खत्म हो चुके हैं, इसका थर्ड पार्ट जो बचा है, थर्ड पेपर जो बचा है वो कल होने वाला है 20 तारीख को। तो उन्होंने कहा सर जितने कम हो सके उतने क्वेश्चन बता देना। तो सच में आज के वीडियो में हम अभी थोड़ी देर में वो वीडियो पब्लिश करेंगे, उस वीडियो को जरूर देख लेना, कल के पेपर में क्या क्या छपने वाला है तो जरूर देखना ध्यान से। देखिए अब हमें क्या करना है, बॉटनी के थर्ड पेपर में हम आ गए हैं, ठीक है, साइटोलॉजी जेनेटिक्स के इस पेपर आपको देख सकते हैं, और यहाँ हमें देखने वाला है इसमें 33 नंबर का फंसा है। देखो मतलब 33 नंबर का पूरा पेपर आता है, इसको आपको 3 घंटे में सोल्यूशन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना मेरी बात को, पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था वो आया या फिर नहीं, ये बड़ी बात होती है। ये क्या होती है, ये बड़ी बात होती है। तो यहाँ हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में देखो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हमसे पूछा है, अर्धसूत्री विभाजन का संचित्र वर्णन, मतलब को अर्धसूत्री मायोसिस जो है उसके बारे में आपको बताना है कि भाई इसका जो मायोसिस डिवाइजेशन होता है तो उसमें आपको संचित्र चित्र बनाकर विभाजन, कोश का विभाजन के 2 पार्ट होते हैं, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन हमसे पूछ लिया, पूरा 6 नंबर का फंसा है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये मैंने सबसे पहले बताया था कि ये क्वेश्चन 100% रट के जाना है, आ गया 6 नंबर क्लियर। चलो उसके बाद देखो इसके अथ वाला, ये आप ये ना कर सके, ऊपर वाला ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अथ वाला क्वेश्चन करो। अथ वाला कौन सा करोगे, ये देखो माइटोकांड्रिया के संरचना उसके कार, आप बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन दे रहा है ये पेपर वाला, खुद कह रहा है कि भाई स्टूडेंटो तुम्हें 70% जो सूर्य सर ने बताया वो नहीं लाना है, अब तुम्हें बेहतरीन परसेंटेज लेके आनी है वो समझ लो, ठीक है। मैं आपको सब वादा करता हूँ वो पूरा होता है। देखो माइटोकांड्रिया की संरचना उसके वास्तविक और कार क्या है, पूरा क्वेश्चन फंसा है, 6 नंबर आप यहाँ नोट करिए, 6 नंबर नोट करिए पहले एक साइड में, दूसरे क्वेश्चन की ओर चले जाइए। यहाँ है कोश का द्रव्य अनुवंशकता क्या होती है, कोश के द्रव्य अनुवंशकता के ऊपर उदाहरण सहित आपको बताना है। ये क्वेश्चन हमसे बोला गया, मैंने ये क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था 2 दिन पहले, ये क्वेश्चन नहीं दिया, छोड़ दो भाई। अब चलो जाओ उसके अथ वाले क्वेश्चन पे, इसके अथ वाले क्वेश्चन की ओर चले जाओ, इसके अथ वाले क्वेश्चन की ओर, और हमसे बोला गया है उपरोक्त उदाहरण के सहित आपको उदाहरण देना है, साथ ही साथ कह रहा है कि मेंडल के अनुवंशकता नियम, मैंने कहा मेंडल के 3 नियमों को पढ़ लेना, 3 नियम को आपको वर्णन करना है, कर दिया भैया क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब बढ़ चुके हैं। और हमसे बोला है किस नियम को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, वो 3 नियम में से कौन सा सबसे अधिक आपको इंपोर्टेंट नियम लगता है, उस नियम के बारे में थोड़ा सा और बना के लिख देना एक्स्ट्रा करके, ये बोला गया 6 नंबर, ये नोट करो 6 नंबर पहले के, टोटल 12 नंबर। तुम संतुष्ट हो इस बात से या नहीं मुझे बताओ, एग्री हो, क्लियर हुआ, कोई किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हाँ है तो बताया जाए, ना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ गए, आप समझ गए क्लियर तरीके से। चलो उसके बाद क्या है, चलो तीसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। पहले तीसरा क्वेश्चन क्या था, पादप अनुक्रमण क्या होता है, पूरा क्वेश्चन फंसा है। देखो जियोसोर्स के आपको इसका वितरण बताना था, छोड़ो इसको, देखो पूरा क्वेश्चन फंसा है। यदि ये ना कर सको,
यही करना जरूरी होगा क्योंकि यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिया, ये वाला नहीं दिया था। ठीक है, हाइड्रिला के जलीय और नागफली के बारे में नहीं बताया था, तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का फंस जाता है। क्लियर हो गया, बताओ मुझे कोई दिक्कत किसी को? चलो उसके बाद में इसके ये पढ़ लिया, आप पहुंच जाओ शॉर्ट में। यदि आपको कुछ लगता है कि सर नहीं इसमें से आपको 3 ही नंबर का फंसा है, तो आप, मैं 3 नंबर नोट कर लेता हूँ, 3 नंबर छोड़ दीजिए। यदि आप आधा क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो 3 नंबर का क्लियर हो जाता है, लेकिन आप मुझे बता बना बना के लिख के बहुत बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ तो पहले थोड़ा सा अच्छा लिख दोगे, लास्ट में थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना बेहतरीन है। 12 3 हो जाएंगे 15 नंबर, 15 नंबर फंसे, यस या नो? ठीक है, 15 नंबर फंस गए, नीचे पहुंच जाओ शॉर्ट में। शॉर्ट क्या बोल रहा है? शॉर्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 क्वेश्चन को अटेंड करना है, कोई 5 क्वेश्चन को आप अटेंड कर देना, 8 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जो दिल करे वो कर दो। पहला क्वेश्चन आप कर देंगे क्योंकि ये सेक्स निर्धारण, प्लांट के अंदर सेक्स निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, चलो उसके अंदर क्या है। उसके बाद में यहाँ देखो बोला गया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने वो इम्पोर्टेंट दिया था, देखो खाद जाल खाद फूड एंड खाद चैन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इसे कोई नहीं हटा सकता, ये क्वेश्चन पूरा फंसा है। देखो ये 3 नंबर का कितने, 3 3 नंबर का है, 2 2 नंबर का, एक बार चेक कर लें, 2 2 नंबर का बेटा, 2 2 नंबर का, ये 2 नंबर का फंसा है, ये 2 नंबर का फंसा है, इसको देखिए पैरामिंड आएगा, देखो पैरामिंड ऊर्जीय इकोनॉमिक्स पैरामिंड इकोनॉमिकल जैसे 2 नंबर का पूरा फंसा है, प्रेत उत्परिवर्तन 2 नंबर का फंसा है, कोई दिक्कत किसी को? बताओ लगातार क्वेश्चन फंसे हैं जो मैंने आपको बताया था कि भैया ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, पेपर में छप रहा है। प्रोकैरियोटिक कोष का ये नहीं बताया था, क्योंकि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोष का पहले बता चुका हूँ, 4 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी, यदि आपने पढ़ा होगा तो इसको भी करके आए होंगे, मुझे बताया। एम्फियो इसके बारे में नहीं बताया था, लैंगिक पैर के बारे में नहीं बताया था, मैप ये बताया था, लैंगिक मैप ये बताया था मैंने, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये वाला पढ़ के जाना, ये आप ना भी करके आए हैं तो ये वाला बी क्रोमोसोम तो आप पढ़ करके आएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स के बी क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने बताया था। ये क्वेश्चन पूरा फंसा है, 5 के 5 क्वेश्चन फंस चुके हैं, जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 10 नंबर के होते हैं, ठीक है, 10 नंबर के फंस चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितने हो गए, देखो वो थे हमारे कितने थे, 10 प्लस 15 कितने हो जाते हैं, 25 नंबर का फंस चुका है अब तक, 25 नंबर का फंस चुका है। अब आ जाते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट वाले क्वेश्चन देखो इस तरीके से हैं और ये आपसे पूछे गए हैं आधा आधा नंबर का। मैं आपसे बोल रहा हूं यदि आपने हमारे MCQ की PDF को डाउनलोड किया होगा, हमारी वेबसाइट paperhacker.in जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, www.paperhacker.in paperhacker.in सर्च करना आ जाएगा, गूगल पर सिंपल सर्च कर देना, वहां जो भी आपकी क्लास है, देखिए सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर वाले बटन पर टच करेंगे और नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, MCQ के और रिटन वाइज दोनों नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। अब यहां देख लो ये पेपर आया था, मैं ये 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 नंबर के हैं, मतलब आधा नंबर का एक क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपके 2 से 3 नंबर के फंस जाते हैं, तो 25 प्लस 2 ही लगा लेते हैं तो 27 नंबर हो जाते हैं। आपको 2700 को डिवाइड करना है 33 से, आपके सामने आपके परसेंटेज निकल के आ जाएगी, एक बार डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, देखो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 27 900 और 11 से काटिए, 11 8 88, ठीक है, 11 8 88 बचे 2 हो गए 20, 11 × 11 81 पॉइंट कुछ में बैठेगी, कर लेते हैं दोबारा 2700, देखिए 2700 भाग करते हैं हम 33 से तो हमारे पास आते 81.81, जो हमने आपसे वादा किया था 80 नहीं बल्कि 70% दिलाने का, क्या दिया था, 70% प्लस दिलाने का, वो वादा हमने पूरा किया है, 81.81 फंसा है, ये क्लियर बात है। तो आज ही आपको वादा करना होगा हमसे, इस वीडियो को आप सभी लोगों को बताएंगे और जितने भी क्लास स्टूडेंट हैं, आपके क्लास टीचर हैं, उनको भी बताइए कि paperhacker.in एक ऐसा चैनल है जिसपे कुछ दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं और वही पेपर में आते हैं, ठीक है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को शेयर कर देना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में वीडियो जरूर देख लेना जो आने वाली है अभी हाल ही में, क्योंकि हम एग्जाम से पहले वो देते हैं जो पेपर में छप रहा है। बाय बाय।